Very good morning, students. I am your science teacher, and today I will teach you science of class 6. And today we start new chapter, chapter number 7, Getting to Know Plants, Part 1. आज हम बच्चों chapter 7 का part 1 करेंगे. Now see in the book. This is your science book, science of class 6. Open chapter number 7. See here. This is the chapter number 7. Getting to know plants. कि plants के बारे में हम जानेंगे कि plants में क्या क्या parts होते हैं, उनके क्या क्या functions होते हैं. तो देखिए, we see many plants around us. Some are big, some are small, and some are just patches of green on the soil. तो बच्चों हम अपने चारों तरफ different different types के plants देखते हैं. उनमें से कुछ big plants होते हैं, कुछ small होते हैं, और कुछ मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, जो जमीन पर ही green green हमें दिखाई देते हैं. Some have green leaves. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनकी leaves green होती हैं, while some other have reddish one. और किसी की जो लीव्स हैं वो रेडिश रेडिश होती हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बच्चों, हैंड्स, लेग्स, माउथ, नोज, आईज, ईयर्स, हेयर्स, नेक, शोल्डर, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. इसी तरह प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. अब वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर. प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरीज. तो बच्चों जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसलिए हमने प्लांट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, यानी हमने उनको 4 ग्रुप्स में अलग अलग कर दिया. अब वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हर्ब्स, सेकेंड श्रब्स, थर्ड है हमारा क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, एंड फोर्थ है ट्रीज. तो ये 4 ग्रुप्स हुए हमारे प्लांट्स के. तो अब हम इन ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो देखिए यहाँ पे ये पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये एक प्लांट की पिक्चर है. तो देखिए ये नीचे सॉइल है, सॉइल के अंदर जो पार्ट होता है उसे हम रूट कहते हैं. और सॉइल के ऊपर देखिए यहाँ से लेके पूरा एंड तक ये पूरा जो पार्ट है उसे हम शूट कहते हैं. शूट का मतलब ये मत समझना कि शूट कर दिया, मार दिया, नहीं, ये पार्ट का नाम है. तो जो सॉइल के ऊपर पार्ट होता है प्लांट का पूरा एंड तक उसे हम शूट कहते हैं. अब इस शूट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं. जैसे देखो मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर जो लकड़ी होती है उसे हम स्टेम कहते हैं. ये हमारी क्या है? लीव्स हैं. और जहाँ पे ये लीव्स जुड़ी हुई होती है इसे हम नोड कहते हैं. और यहाँ पे देखो ये बर्ड कली की तरह दिखाई दे रही है, इसे हम ऑक्सिलरी बर्ड है. और वन लीव से सेकेंड लीव के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम इंटर नोड कहते हैं. ओके, ये लीव्स हैं, ये इनके जो पत्तियाँ होती हैं, ये ब्लेड हैं, ये हमारे आगे के पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों हर्ब्स के बारे में. हर्ब्स हम किसे कहते हैं? ये तो आप पहले भी स्टडी कर चुके हो. देखिए, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स. हर्ब्स हम उन प्लांट्स को कहते हैं जिनका जो ग्रीन होते हैं, मतलब उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है और थोड़ा सॉफ्ट होता है. एंड दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेज. और जो हर्ब्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, यानी छोटे होते हैं, और उनमें जो ब्रांचेज हैं वो नहीं होती. अब जैसे एग्जांपल, मिंट, रोजमेरी, तुलसी, जो हम गमलों में लगाते हैं छोटे छोटे प्लांट, जैसे घास, टमाटर.
धनिया होता है कोरिएंडर, तो ये सब क्या हैं? हर्ब्स, जो बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं। मेथी, पालक, ये सब क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं। देखिए, ये है मिंट, ये है रोजमेरी, जिसमें छोटे छोटे पिंक पिंक फ्लावर आते हैं जो रोज की तरह दिखाई देते हैं, और ये है तुलसी जो सबके घरों में होती है। इसके बाद है बच्चों श्रब्स, सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, और ये हर्ब्स से कुछ बड़े होते हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े होते हैं द स्टेम, और इनका जो स्टेम होता है हार्ड होता है, और लेकिन बहुत ज़्यादा थिक यानी मोटा नहीं होता। स्टेम क्या होता है? जो सॉइल के ऊपर वाली लकड़ी होती है वो हार्ड तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा थिक यानी मोटी नहीं होती। अब जैसे एग्जांपल रोज़ का प्लांट होता है, रोज़, टमाटो, जासमिन, मेहंदी, ये सब क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं। देखिए यहाँ पे ये रोज़ प्लांट है, ये टमाटो है, ये जासमिन है, ठीक है, ये सब क्या हैं? श्रब्स। अब हम पढ़ते हैं थर्ड ग्रुप के बारे में, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लाइंबर। क्लाइंबर हम किसे कहते हैं? प्लांट्स विच नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपराइट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। उन प्लांट्स को हम कहते हैं जिन्हें ऊपर बढ़ने के लिए सपोर्ट की नीड होती है यानी ज़रूरत होती है, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं, जो क्लाइंब यानी ऊपर चढ़ते हैं। अब कौन कौन से होते हैं क्लाइंबर्स जो ऊपर चढ़ते हैं? जैसे मनी प्लांट, हम अपने घरों में मनी प्लांट लगाते हैं, तो वो बेल होती है, ऊपर चढ़ती है लेकिन किसी का सपोर्ट लेकर, अपने आप नहीं चढ़ती, उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप ये समझ लीजिए कि क्लाइंबर और क्रीपर ये बेल होती हैं जो किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं, वो क्लाइंबर हैं, और जो नीचे ज़मीन पे फैल जाती हैं वो क्रीपर होती हैं, लेकिन दोनों बेल होती हैं। वाइल्ड प्लांट्स विद वीक स्टेम, और इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही वीक होता है, तभी तो वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड द क्रीपर्स। और जो ज़मीन पर बेल फैल जाती हैं उन्हें हम क्रीपर कहते हैं। क्रीपर में कौन कौन सी बेल आती हैं बच्चों? जैसे है मनी प्लांट को हम नीचे भी फैला सकते हैं, वाटरमेलन, बॉटल गार्ड, ये हमारे क्रीपर्स। देखो क्लाइंबर जो ऊपर चढ़ती हैं, ऊपर देखो सहारा लेकर ऊपर चढ़ गई, और क्रीपर्स जो ज़मीन पर फैल जाती हैं, जैसे कोकम्बर है, वाटरमेलन है, बॉटल गार्ड है, ये सब क्रीपर्स होती हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रीज के बारे में। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। हमने कहा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, और उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही हार्ड और थिक होता है, यानी बहुत ही मोटा और मजबूत होता है। द स्टेम हैज ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, और जो स्टेम जब ऊपर जाता है तो ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस निकलने लगती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रीज। अब ट्रीज में देखिए, जैसे मैंगो ट्री है, ये बनियान ट्री, पीपल ट्री, एप्पल ट्री, कोकोनट ट्री, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं इन्हें हम ट्रीज कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। देखिए अब हमने प्लांट्स के फोर ग्रुप्स तो पढ़ लिए, अब उनमें जो पार्ट्स होते हैं उनके भी अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे रूट। अब रूट का क्या काम होता है बच्चों? प्लांट्स के लिए वो क्या काम करती है? तो चलिए हम रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। द रूट हैज इन होल्डिंग द प्लांट फिर्मली इन द सॉइल। जो बच्चों रूट है
वो प्लांट को मिट्टी के अंदर मजबूती से पकड़ के रखती है, यानी उसको जमा देती है। अगर रूट नहीं होंगी प्लांट में तो क्या प्लांट सीधा खड़ा रहेगा? नहीं, वो गिर जाएगा, फिर सूख जाएगा। तो जो रूट होती हैं वो प्लांट को सॉइल के अंदर मजबूती से फिक्स करके रखती हैं। एंड दे आर सेट टू बी एंकर द प्लांट टू द सॉइल। एंड दीज आर मैनी काइंड्स ऑफ रूट्स। अब बच्चों, जो रूट्स होती हैं ये टू टाइप्स की रूट्स होती हैं। अब टू टाइप्स की रूट कौन सी हैं? फर्स्ट है टैप रूट। अब टैप रूट हम किसे कहते हैं? द मेन रूट्स आर कॉल्ड टैप रूट। जो प्लांट की मेन रूट होती है, जो एक रूट पूरी अंदर तक जाती है, उसे हम टैप रूट कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है एक ही जगह से बहुत सारी अलग अलग रूट निकलती हैं, गुच्छा जैसा बिल्कुल, उसे हम लैटरल या फाइब्रस रूट कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ये रूट लिखी हुई है, ठीक है। देखिए ये रेडिश है, इसमें से बाहर रेशे निकल रहे हैं, ये क्या है? रूट। और यहाँ से देखिए गुच्छा में रूट में से रूट, रूट में से रूट निकल रही है इस तरह से। प्लांट्स विच डू नॉट हैव एनी मेन रूट आर रूट सेम सिमिलर आर कॉल्ड द फाइब्रस रूट। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये रूट की आपको पिक्चर दिख रही है, देखो इसमें बहुत सारे रूट हैं, तो ये जो रूट हैं ये हमारी फाइब्रस रूट हैं। ये इमेज प्रिंट हो चुका है, तो ये रूट हमारी ये है फाइब्रस रूट, और ये एक ही रूट है, तो ये हमारी टैप रूट, तो ये है। ओके, ये इमेज प्रिंट हो गया है। तो रूट हमारी टू टाइप्स की होती हैं, जो मेन रूट होती है जो एक ही रूट अंदर तक जाती है वो टैप रूट, और जो बहुत सारी रूट निकलती हैं धागे की तरह एक ही जगह से वो फाइब्रस रूट होती हैं। अब रूट का काम क्या होता है ये तो पढ़ लें हम, कि टू टाइप्स की होती हैं तो हमने पढ़ लिया। अब रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। बच्चों हम जानते हैं कि सॉइल के अंदर वाटर होता है और मिनरल्स होते हैं, तो जो रूट होती हैं वो सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। एंड द स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फिर ये रूट से वाटर और मिनरल्स स्टेम में जाता है और स्टेम पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड। जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं, यानी फूड प्रिपेयर करती हैं। दिस फूड ट्रेवल थ्रू स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। और फूड जैसे लीव्स ने तो खाना बना दिया, अब प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक खाना कैसे पहुंचेगा? वो स्टेम का काम है, और बाकी जो होता है वो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो फूड है वो स्टोर हो जाता है। वी ईट रूट्स। आपको पता है हम कुछ रूट्स भी खाते हैं। अब तो अगर रूट जड़, हम तो नहीं खाते जड़, खाते हैं। अब कौन सी जड़ खाते हैं, यानी कौन सी रूट खाते हैं? देखिए आप रेडिश खाते हो, मूली, तो बेटा मूली एक रूट है। कैरेट खाते हो आप, उसका गाजर का हलवा भी बहुत स्वाद से खाते हो टेस्ट लेकर, तो कैरेट भी एक रूट है। टर्निप, शलजम, टैपियोका, ये सब क्या हैं? रूट्स, जिन्हें हम खाते हैं। तो आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम स्टेम से स्टार्ट करेंगे। पार्ट वन इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।